स्कूल गुजराती माध्यम ई क्लास में आज कक्षा 8 में छठे पाठ भरत में आपका स्वागत है। इस पाठ के लेखक हैं राम लक्ष्मण सिंह। इनका जन्म सन 1926 में आगरा में हुआ था। ये हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने कालिदास रचित, कालिदास आपको पता है संस्कृत के महाकवि, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश का इन्होंने अनुवाद किया और इसी अनुवाद के लिए उनको पुरस्कार मिले। और अभिज्ञान शाकुंतलम में से ही एक अंश, एक पार्ट लिया गया है नाटक के रूप में भरत। और इसके एक पात्र है, एक बच्चा है जो आगे जाके भरत, जिसके नाम के ऊपर से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। एक बच्चा है भरत, तपस्विनिया है। तपस्विनी से ही पता चल जाएगा हमें कि आश्रम से जुड़ा हुआ कुछ होगा। तो यहाँ दो तपस्विनिया हैं, पहली और दूसरी, और राजा दुष्यंत, मतलब इस नाटक के इतने किरदार हैं, बच्चा, दो तपस्विनिया और राजा दुष्यंत खुद। अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। राजा दुष्यंत एक महापराक्रमी राजा थे, इतिहास से ये उठाया गया एक अंश है। और ये जब एक दिन ऐसे घूमते घूमते निकले थे, रास्ता भूल गए और कहीं इन्होंने शकुंतला को देखा और पहली नजर में शकुंतला से इन्हें प्रेम हो गया और इसके बाद शकुंतला ने इनसे गांधर्व लग्न किया, मतलब मंदिर में कहीं किसी को साक्षी ना मानते हुए भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। और इसके बाद दुष्यंत वापस गए और तब उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि मैं वापस आऊंगा और पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन संयोगवश दुष्यंत अपनी याददाश्त खो बैठे और वो वापस नहीं आए। यहाँ शकुंतला गर्भवती हुई तो लोगों ने उसको कुलक्षणी चरित्र ही बोला और निकाला। और वहां से शकुंतला निकलने के बाद कण्व ऋषि के आश्रम में आई और यहाँ उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया भरत, जिसको आश्रम में सब सर्वदमन महर्षि कण्व मरीचि के बेटे ने, कण्व के बेटे ने मरीचि ने इसको ये नाम दिया था सर्वदमन। क्यों नाम दिया था? क्योंकि ये अपने पिता के जितना पराक्रमी और महान बने, दुष्यंत एक महापराक्रमी राजा थे, तो उसका बेटा भी वैसा ही बने, इसके लिए सर्वदमन मतलब सर्व मतलब सबके ऊपर दमन मतलब काबू करने वाला, ऐसा उसका नाम रखा गया। और उसके जन्म के समय उसके हाथ में एक धागा बांधा गया अपराजित, जिसका नाम था। और उस धागा, वो धागा यदि बच्चे के हाथ से गिर जाए कभी संयोगवश, तो उसके माता पिता के अलावा और कोई उसे उठा नहीं सकता। यदि कोई और उठाने जाए तो वो जल के राख हो जाए, भस्म हो जाए। लेकिन ये बात केवल ऋषि जानते थे और शकुंतला और आश्रम के रहने वाले लोग ही जानते थे, किसी और को पता नहीं है। ये चूंकि नाटक की शक्ल में हमारा पाठ है, आपने रंगमंच पे शायद नहीं देखा हो, तो उसमें दृश्य होते हैं अलग अलग, तो पर्दा खुलता है, बाजार का दृश्य है तो बाजार का सेट लगा हुआ होगा, वहाँ जो किरदार हैं वो अपना काम करेंगे, अभिनय करेंगे, फिर पर्दा गिरेगा मतलब बंद हो जाएगा, फिर कहीं और का दृश्य होगा तो पर्दा खुलने पर कहीं और, तो यहाँ सीधा जो दृश्य खुलता है जहाँ से शुरू होता है वो ऋषि का आश्रम है। और वहाँ एक बच्चा सिंहवाल को, शेर के बच्चे को घसीटने की, उसका मुंह खोलने की चेष्टा कोशिश कर रहा है और तपस्विनी उसको अटका रही है कि ये शेर का बच्चा है, इसने अगर काट लिया तो कुछ हो गया तो, और तपस्विनी के ऊपर सब कुछ आ जाएगा। लेकिन बच्चा इतना जिद्दी है, मान नहीं रहा, उसको दांत गिनने हैं उसके। देखो कितना पराक्रमी है, बचपन में जहाँ हम खिलौनों से खेलते हैं वो शेर के बच्चों के साथ खेला करता था। तपस्विनी को बड़ी चिंता है। अब यहाँ
दुष्यंत की याददाश्त वापस आ गई है और दुष्यंत को याद आया है कि उसने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। तो शकुंतला के घर पर जाने से पता चलता है कि शकुंतला को तो बहुत बुरे तरीके से जलील करके अपमानित करके शकुंतला तो घर छोड़ के चली गई है। तो ये ढूंढने निकला है और ये भी संयोगवश आ गए हैं इसी ऋषि के आश्रम के पास जहाँ पे ये सारी चेष्टा हो रही है। तो वहां ये देखते हैं, एक पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। अब चूंकि आश्रम का दृश्य है तो आश्रम में तो कौन रहेगा, ऋषि का बेटा ही रहेगा, तो ऋषि कुमार तो कैसे होंगे, जटा जुटी बांध के ऐसे बाल बड़े लंबे लंबे होंगे, ऋषि कुमार जैसा वेश होगा। और ऋषि मुनि और उनके बच्चे कोई भी हिंसक या ऐसे नहीं होते, पराक्रमी जैसे ऐसे हैं, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन ऐसे दिखता नहीं है। तो ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तपस्विनी इसको रोक रही है लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो ये पीछे से देख रहा है तो वो ऐसे ही फ्लैश बैक में पीछे ऐसे चल रहा था कि आहा, ये लड़का ऋषियों के आश्रम में है लेकिन इसकी सारी हरकतें जो है वो चक्रवर्ती राजाओं जैसे महाराजाओं के जैसी है। इसका चेहरा जो है वो आग की तरह दमक रहा है, मतलब एक तेज है उसके चेहरे के ऊपर। और उसके हाथ में ये जो जाले बने हुए ये इतने अद्भुत, हमारे यहाँ गोल गोल ऐसे उंगलियों के ऊपर आप देखो जाले होंगे ऐसे। हथेली इतनी कोमल और इतनी गुलाबी है कि सुबह सुबह जो तालाब में कमल भी खिला हो ना तो वो भी इस बच्चे की हथेली और उसकी नजाकत के सामने फीकी पड़ जाए। और ये जो जाले है ना तो जैसे हम हाथ दिखाते हैं रेखाओं के ऊपर से पता चलता है ना कि हम क्या बनेंगे बन सकते हैं, तो झाले ऐसे अद्भुत हैं कि पता चलता है कि ये जरूर कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा। और शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है तो दुष्यंत को लगता है कि ये जरूर किसी पराक्रमी पिता का पुत्र होगा, लेकिन उसको आश्चर्य है ऋषि के आश्रम में ऐसा बच्चा ये लग तो ऐसे रहा है, पता नहीं क्यों जैसे खून खून को आवाज दे रहा है। तो उसको देख के उसका मन भी कहीं कि काश ये मेरा बच्चा हो, ऐसा बच्चा किसका होगा, ये जब ऐसे बच्चे को गोद में जब खिलाता होगा तो उसका पिता कितना धन्य महसूस करता होगा, तुतली तुतली भाषा में जब वो बोलता होगा तो उसको कितना आनंद आता होगा। और उसके शरीर पर लगी हुई धूल से उसके कपड़े उसके पिता के कपड़े मैले होते होंगे तो फिर उसको कितना आनंद आ रहा होगा ऐसा वो सोचता है। तो पहली तपस्विनी बच्चे को फुसलाने के लिए बोलते मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, ज्यादा तो छोटे बच्चे को ऐसे ही फुसलाते हैं ना, लेकिन इससे खिलौने का कुछ नहीं है। दूसरी तपस्विनी ये लेने जाती है, खड़ी रहती है कि बच्चा नहीं जाए नहीं जाए, और तब ये देख लेती है दुष्यंत को तो वो मदद मांग लेती है ऐसे ही स्वाभाविक रूप से कि आप ही समझाइए ना, ये मान नहीं रहे मेरा। तो दुष्यंत बड़े प्यार से उसको समझाते और कहते हैं कि तुम ऋषि कुमार हो लेकिन तुम्हारा आचरण तुम्हारा व्यवहार वर्ताव जो है वो बिल्कुल आश्रम के विरुद्ध है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने हठी क्यों हो। और पता नहीं कैसे बच्चा उसकी बात सर्वदमन उसकी बात मान भी लेता है। तो तपस्विनी बोलती है आहा, लेकिन जब दुष्यंत उसके करीब जाते हैं तो उसको लगता है कि ओह बच्चा जैसे नजदीक पर अपनापन सा महसूस होता है। तो वो पूछते हैं कि भाई इसके माता पिता कौन है, तो तपस्विनी गुस्सा हो जाती है कि उसके पिता के विषय में मुझसे बात मत कीजिए, मैं उसका नाम तक लेना नहीं चाहती, जो बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी को छोड़ दे ऐसी हालत में मैं ऐसे पुरुष का नाम लेना नहीं चाहती। दुष्यंत का माथा ठनकता है कहीं, क्योंकि उनको शकुंतला की याद आती है, हालांकि वो अपनी याददाश्त भूल चुके थे इसके लिए, लेकिन शकुंतला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कहानी के सिरे जोड़ रहे हैं कि कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं। तो ये ऋषि कुमार हैं और ऐसे ये तपस्विनी से पूछते हैं तो तपस्विनी कहते हैं कि तो ये पुरुवंशी है, तो दुष्यंत तो पुरुवंशी है। तो बोलते हैं तभी मैं सोचू आश्रम में रह के इस बच्चे में ऐसे पराक्रमी राजाओं जैसे चिन्ह कैसे हैं। पुरुवंशियों की दो ही रीत या परंपरा होती है कि ये अपने यौवन में ये रक्षा करते हैं साम्राज्य बनाते हैं, और वृद्धावस्था में ये किसी आश्रम में किसी वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर ये भगवान का
भजन करते हैं। ये ऐसी दो रीतियां हैं, ऐसे उनको लग रहा है। और तपस्विनी बोलते हैं कि मैं इसके पिता के विषय में नहीं बोलूंगी। और उसी समय बच्चे के हाथ से वो रक्षाबंधन जो बांधा हुआ था, मरीचि ने बांधा हुआ था, वो गिर जाता है और दुष्यंत उसको उठा लेते हैं। और दुष्यंत को कुछ नहीं होता। तब तपस्विनी आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि तपस्विनी भली भांति जानती थी कि इस अपराजित रक्षाबंधन को केवल बच्चे के माता पिता ही उठा सकते हैं। तो वो पूछते, वो समझ जाती है, वो आश्चर्य होता है। तो वो बोलती है आपने उठा लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। और फिर ये कहानी बताती है। तो दुष्यंत पूछते हैं कि तुमने ऐसा होते हुए देखा है। तो वो बोलती है हाँ देखा है। मतलब अब दुष्यंत के मन को एकदम करार आ जाता है कि उनकी शकुंतला, इस बच्चे की माँ उनकी ही शकुंतला है, वो इसी आश्रम में है। और इतना पराक्रमी दिखने वाला बच्चा उनका ही है, ये नाटक है। अब हम इसका पठन करेंगे। बंद करें।